हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक समर्स के टॉपिक के बारे में, मैंगोज। हाँ जी, मैं आम की बात कर रहा हूं। तो क्या हम समर्स के अंदर बच्चों को आम खिलाएं? अब ये आपको बड़ा अजीब सा प्रश्न लगेगा, क्योंकि आम तो समर्स में ही आते हैं, विंटर्स में तो आते नहीं। लेकिन ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि किसी बच्चे को जैसे ही डायरिया होता है, यानी लूज मोशन होते हैं, तो पेरेंट्स आके क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कल बच्चे ने या परसों बच्चे ने 2-3 आम खा लिए थे, तो इस वजह से बच्चे को दस्त लग गए। क्या ये सच है? इसका आंसर है नहीं। अगर आम नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का है तो उससे दस्त होने के चांसेस बहुत कम है। उसे अच्छे से धोइए, घर में प्रॉपरली काटिए, एंड उससे बच्चे को दस्त नहीं लगेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि बच्चे को दस्त होते क्यों हैं? Why does the child have loose motions जब उसने आम खाए हैं? Well, the answer is, गर्मियों में इतनी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चे को दस्त लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस हीट के अंदर ग्रो करते हैं। तो अगर हल्का सा भी खाना खराब हो, हल्का सा भी आप बाहर का कुछ रेड़े पैसे चीज ले लें, या कई बार आप खाना ऑर्डर करें, तो इन चीजों के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ की वजह से बच्चे को डायरिया हो जाता है। और क्योंकि हमने आम भी खाए होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि मैंगो खाने की वजह से डायरिया हुआ है। रिमेंबर, ये मिथ गलत है। एज लॉन्ग एज द मैंगो इज गुड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। गर्मियां हैं, शौक से आम खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। दिस इज योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट। प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।